दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सोशल मीडिया और मोबाइल्स आजकल का दूसरा ऑक्सीजन बन चुके हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पहले के समय में लोग सुबह उठकर फ्रेश हवा को ढूंढने निकल जाते थे, और अगर आज का हाल देखें तो लोग सुबह उठते ही इसलिए हैं कि यार कल रात को एक फोटो पोस्ट किया था, देखे किस किसने लाइक और कमेंट किया है उस पर। दोस्तों, सोशल मीडिया हम लोगों के लिए जितना उपयोगी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके खतरनाक होने के पीछे की वजहों में से एक वजह यह भी है कि इस पर बेहद बड़ी मात्रा में फेक वीडियो, फेक न्यूज और भी बहुत सारी फेक चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आपको कोई भी गुमराह कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इन फेक वीडियोस की सच्चाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सच्चाई के सफर में बिना किसी देरी के। ग्रोज ओवरनाइट। दोस्तों, कैसा होगा कि आपने रात को अपने घर के आगे या फिर कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क की हो, और जब आप अगली सुबह या फिर कभी भी गाड़ी के पास वापस आओ तो आपको ये नजारा दिखे कि एक पेड़ भाई साहब रातों रात आपकी गाड़ी के बीच में छेद कर ऊपर उग गए हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ बेहद हैरान कर देने वाला वाक्य नवम्बर 2019 के दौरान फ्रांस के नॉर्थ शहर में घटा। दोस्तों, सड़क पर खड़ी एक कार को बीच से फाड़ते हुए एक पेड़ रातों रात इसके ऊपर उग गया, जिसके बाद इसको देखने वाले लोगों का यहाँ पर मजमा इकट्ठा हो गया। और दोस्तों, जैसा हमेशा होता है, किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, और जैसे रातों रात ये पेड़ इस गाड़ी के अंदर उग गया था, वैसे ही रातों रात इस वीडियो ने भी पूरी दुनिया में अपनी ब्रांचेस फैला दी। यहाँ तक कि दोस्तों कई यूट्यूब चैनल्स ने भी इसको एक बेहद मिस्टीरियस और रहस्य भरी घटना बताकर इसके ऊपर कई वीडियोस बना डाली। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे पहली फोटो पोस्ट हुई थी रॉयल्टी लुक्स नाम के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, ये कंपनी फ्रांस के अंदर मैकेनिकल स्ट्रीट आर्ट्स बनाने के लिए फेमस है। दोस्तों, इस कंपनी ने ये आर्ट पीस कहीं और बनाकर यहाँ पर फिक्स कर दिया। और दोस्तों, ऐसे कई और बेहद अजीबोगरीब और बेहद हैरत अंगेज स्ट्रीट आर्ट्स ये कंपनी और भी जगह पर बना चुकी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में और बहुत से देशों में बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों पर से इस वीडियो को देखकर एक बहुत बड़ा रहस्य बना दिया, सुपर पावर कॉट ऑन कैमरा। दोस्तों, 2011 में हांगकांग के अंदर इंटरनेट पर पोस्ट हुआ ये वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक हांगकांग की मॉडल अपना फोटोशूट करवा रही होती है। लेकिन दोस्तों, अचानक से उसके पीछे से एक शख्स हुडी पहनकर आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके हाथों से अचानक ब्लू लाइट निकलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखकर ये शख्स खुद भी चौंक जाता है, और दोस्तों जब उसकी नजरें कैमरे की ओर पड़ती है तो वहां से बेहद तेजी से भागने लगता है। और जब कैमरामैन फोटोशूट को छोड़कर उसके पीछे भागता है तो इसी दौरान वो बस के सामने आ जाता है और बस से टकराने से पहले ही गायब हो जाता है। और दोस्तों, कुछ देर बाद वो वहीं पर ब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ अपनी सुपर पावर्स का नमूना दिखाते हुए नजर आता है, और फिर दोबारा से एक बस के निकलने के साथ ही गायब हो जाता है। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो हांगकांग के HK TV द्वारा प्रसारित किया गया था, और दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो को 11 मार्च 2011 के दिन एक यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हीं दिनों हांगकांग के अंदर आई एम नंबर 4 के नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी। दोस्तों, अब हम आपको 100 बात की एक बात बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पूरी तरीके से फेक था, जिसको विजुअल इफेक्ट और काफी अच्छी एडिटिंग की मदद से बनाया गया था। दोस्तों, ये वीडियो महज इस फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, हजारों लाखों यूट्यूब चैनल्स ने इसको असली सुपर पावर काउस्टोन कैमरा बताकर पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। और जब लोगों को इसकी सच्चाई पता चली तो उनके दिमाग से बस एक ही बात निकली कि यार हमारा तो हो चुका है पोपट। डक्स फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों, ये वीडियो मई 2018 के दिन फेसबुक पेज पर अपलोड हुआ था, जिसमें दिखाया जाता है कि जर्मनी में कुछ बतख रोड पर खड़ी होकर रेड सिग्नल्स के ग्रीन होने का वेट कर रही हैं। और दोस्तों, जैसे ही ये सिग्नल ग्रीन होता है ये सब रोड क्रॉस करना शुरू कर देती हैं। खैर दोस्तों, इस बारे में तो बाद में बात करेंगे कि ये वीडियो फेक है या फिर रियल, मगर इस वीडियो से हमको तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा था, और सभी इस वीडियो को देखकर ये बात सच मान बैठे थे कि ये बतख खुद से ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रही है। हकीकत ये थी दोस्तों कि ये वीडियो पूरी तरीके से फेक था। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो को मैडन सारलैंड नामक एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए डिजिटली एडिट कर बनाया था। दोस्तों, जब आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में सभी बतख चल नहीं रही है बल्कि स्लाइड कर रही है, यानी कि ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक एनिमेशन था। जस्टिस फॉर सुशांत इन नाइजीरिया। दोस्तों, हाल ही में आपको एक शब्द बेहद अच्छा
अच्छे से पता चल गया होगा, जिस शब्द का नाम है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद काफी ज्यादा प्रकाश में आया था और इंडिया सहित कई देशों में इस चीज को बंद करने की कई सारी मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें दोस्तों नाइजीरिया के कुछ लोग जस्टिस फॉर सुशांत नाम के पोस्टर्स हाथ में लिए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों ये देखकर भारत के लोगों ने नाइजीरिया के लोगों के लिए थैंक यू पोस्ट कर उनकी छड़ी लगा दी। लेकिन दोस्तों बाद में पता चला कि असल में ये पिक्चर्स तो एडिटेड थे, जिनमें नाइजीरिया के लोग अपने किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी उल्टे दिमाग के व्यक्ति ने इन पर सुशांत सिंह राजपूत की फोटोज चिपका दी और ये वायरल हो गया। आर्म डिलो। दोस्तों 2020 में सोशल मीडिया पर इंसान जैसे दिखने वाले एक जानवर की तस्वीरें बेहद ज्यादा वायरल हुई थी, जिन फोटोज में डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ था कि ये जानवर बेहद ज्यादा खतरनाक है। और दोस्तों सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने स्थानीय भाषा में इस जानवर का नाम भी बता दिया, जो कि डिप्टा था। दोस्तों भारत के कई इलाकों में तो इसको देखे जाने का दावा भी किया जाने लगा। दोस्तों तेलंगाना के एक जगतियल जिले में तो लोगों में तो इसके प्रति काफी ज्यादा डर का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि दोस्तों इस जानवर के वहां पर होने की खूब सारी फेक न्यूज वायरल हुई थी। दोस्तों जब हमने इस वीडियो की जांच की तो हमने पाया कि इसको सबसे पहले मिटान इटली की लायरा मेगानुकु नाम की एक सिलिकॉन आर्टिस्ट द्वारा पोस्ट किया गया था, जो सिलिकॉन का इस्तेमाल कर ऐसे कृपी से दिखने वाले जीव को बनाती है। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इनके और भी कई सारे स्कल्पचर्स यूट्यूब पर गलत जानकारी के साथ वायरल कर दिए जाते हैं। दोस्तों अपनी लिस्ट में इस स्कल्पचर का नाम उन्होंने आर्मडिलो रखा है, जिसको आप $8,000 में खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।